हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्प्रेंड्स में। एंड देखिए, आज लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मर्ज किया जा रहा है, ठीक है, और एक नया चैनल बनाया जाएगा जिसका नाम होगा संसद टीवी। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, देख लेते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो देखिए, पहला प्रपोजल जो था वो आया था 2017 में, ठीक है। दोनों हाउस के जो सेक्रेटरीज हैं उन्होंने मिलके इसको मर्ज करने की कवायद जो थी वो शुरू की थी, ठीक है। एंड 2019 में एक कमेटी बना दी गई थी, और ये कमेटी डिसाइड करनी थी कि जो रिसोर्स होगी और जो टेक्नोलॉजी होगी उसको किस प्रकार से मर्ज किया जाएगा आपस में। और कमेटी जो थी, ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कमेटी थी वो प्रसार भारती के जो चेयरमैन हैं उस समय थे, ठीक है, ए सूर्य प्रकाश, तो इनको बनाया गया था। तो ये कमेटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सो अगर पूछे कभी कि इसका ये कमेटी जो थी, ए सूर्य कुमार कमेटी, किस चीज़ पे बनाई गई, तो ध्यान रखिएगा, राज्यसभा और लोकसभा टीवी को मर्ज करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, एंड आगे देख लीजिए, द न्यू संसद टीवी विल बी फंक्शन फ्रॉम सेम स्पेस, ठीक है। जो नया संसद टीवी है वो उसी जगह से काम करेगा जहाँ से लोकसभा टीवी फिलहाल काम कर रही है, और ये है महादेव रोड। अभी आगे हम देखेंगे कहाँ पे है ये, ठीक है। लोकसभा टीवी के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, 2006 में इसको लॉन्च किया गया था, और उस समय जो स्पीकर थे वो थे सोमनाथ चटर्जी, ठीक है। तो इन्हीं ने इसको शुरू करवाया था फर्स्ट पार्लियामेंट्री चैनल के रूप में, ठीक है। पहला पार्लियामेंट्री चैनल ये जो था वो लोकसभा टीवी ही था। एंड इसको देखिए, ओन्ड और ऑपरेट कौन करता है, ये लोकसभा के जो सेक्रेटरीट होते हैं वो करते हैं। एंड लोकसभा हैड मैंडेट टू टेलीकास्ट, ठीक है, जो लोकसभा टीवी है वो क्या करती है, मेनली फोकस क्या होता है उसका, कि वो लाइव प्रोसीडिंग करती है लोकसभा की, ठीक है। जब लोकसभा के सत्र चलते रहते हैं तो उस समय का टेलीकास्ट करती है लाइव। उसके अलावा देखिए, इसका काम होता है कि स्पेशल अटेंशन देना प्रोग्राम्स रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग, ठीक है जी। जो भी संसद से रिलेटेड प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, ठीक है, जो जो भी देश में प्रोग्राम चलाए जा रहे होते हैं उनसे रिलेटेड जो प्रोग्राम्स होते हैं वो चलाया जाता है, ठीक है, इस पर टेलीकास्ट किया जाता है। और देखिए, ये काम कहाँ से करता है, फिलहाल ये काम कर रहा है पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी बिल्डिंग, अभी हम आगे देखेंगे ये कहाँ पे है, ये है महादेव रोड पे, ठीक है, दिल्ली में ही। राज्यसभा टीवी के बारे में देख लीजिए, 2011 में इसको लॉन्च किया गया। एंड देखिए, ये यूपीएससी या फिर कोई किसी भी प्रकार के एस्पिरेंट हैं जो गवर्नमेंट प्रिपरेशन से रिलेटेड हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स यहाँ पे होते रहते हैं, कभी भी आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे मुद्दे यहाँ पे उठाए जाते हैं। और इसका काम क्या होता है, एक्चुअली ये रिलेशनशिप बिटवीन पार्लियामेंट एंड पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये मेन जो इस पे प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं वो सरकार और जनता के बीच के जो रिलेशनशिप होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स इस पे चलाए जाते हैं। और ये काम कर रहा था गुरुद्वारा रकाबगंज रोड से, ठीक है, तालकटोरा स्टेडियम में इसका एक स्टूडियो बनाया गया था, वहाँ से ये काम करता था। एंड एक और चीज़ देख लीजिए, जॉइंट सेशन जो होता है, ठीक है, जॉइंट डिसीजन जो लिया गया है वो किसके द्वारा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पार्लियामेंट्री इंडियन पार्लियामेंट्री चैनल जो लोकसभा है और राज्यसभा टीवी, इसको फॉर्मली मर्ज करने का जो डिसीजन लिया गया है वो किन लोगों के द्वारा लिया गया है। तो इसमें देखिए, जो जॉइंट डिसीजन लिया गया है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा का, वो होते हैं उपराष्ट्रपति, जो इस समय वेंकैया नायडू हैं। एंड लोकसभा का जो था वो लोकसभा के स्पीकर जो थे, जो इस समय ओम बिरला हैं, उन्होंने ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिया है, ठीक है। उसके अलावा देख लीजिए, अपना अपना सचिवालय भी होता है इनका, एक थोड़ा सा अलग से देख लीजिए इंफॉर्मेशन है कि राज्यसभा और लोकसभा के दोनों के अपने अपने सचिवालय होते हैं जो काम करते हैं। और इसके लिए देखिए, जो इनके हेड होते हैं ना, जैसे कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के लिए और लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो लोकसभा के लिए, तो ये उनके हेड होते हैं जो लोकसभा और राज्यसभा के सचिवालय होते हैं उनके, ठीक है। और देखिए, जब डिसीजन दे दिया गया था कमेटी द्वारा, तो उसके बाद रवि कपूर को, एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे 1986 बैच के, इनको नॉमिनेट किया गया था कि ये आगे की कार्यवाही करें और दोनों को मर्ज करने का कार्य करें, ठीक है। एंड देखिए, जो संसद टीवी है, अब क्या होगा, दोनों चैनल जो लोकसभा और राज्यसभा नाम से चलते हैं, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं इन चैनलों को, तो उनको क्या किया जाएगा, अब मर्ज कर दिया जाएगा। और दोनों पे यही लिखा रहेगा
कि ये संसद टीवी का प्रोग्राम है, ठीक है, चैनल दोनों रहेंगे लेकिन बस संसद टीवी नाम से चलेंगे। अब देख लीजिए, ये है पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी बिल्डिंग जो संसद भवन के देखिए बिल्कुल पास में ही है। ओके, सो यहाँ से अब चलेगा आपका जो नया है संसद टीवी, ठीक है, तो संसद टीवी ध्यान रखिएगा यहीं से चलाया जाएगा अब। ओके, ये है पार्लियामेंट्री बिल्डिंग लाइब्रेरी। ओके।